Hey what's up people, I welcome you all to this new video. मैं आपका friend राहुल. आज के video में हम कुछ नया सीखने वाले हैं. आज हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी administration file को access कर सकते हैं या उसे कैसे bypass कर सकते हैं. मेरे बहुत सारे friends होंगे जिनके पास अपना laptop या desktop नहीं होगा और वो किसी और का use कर रहे होंगे, तो आप उसको as a guest use करते हैं. पर जब आप उस पर कोई भी software install करना चाहते हैं तो वो आपसे admin password मांगता है जो आपके पास नहीं होता. तो इस video में मैं इसी चीज का solution आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप कैसे उस file को access कर पाएंगे और कैसे कोई भी software को आप इंस्टॉल कर पाएंगे. एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल जिसमें मैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और एक फाइल को एक्सेस करके दिखाऊंगा. सो मेरी वीडियो में बनी रहिए और अगर आप यहां पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. लेट्स सी द प्रोसेस नाउ. सो मैं हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर. अब यहां पर हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर हमें एक टेस्ट फाइल बनानी है. तो हम राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे न्यू पे एंड क्लिक करेंगे टेस्ट डॉक्यूमेंट पे. टेस्ट डॉक्यूमेंट बन जाने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसे ओपन करना है. अब यहां पर सेम जो मैं टाइप कर रहा हूं आपको सेम एग्जैक्टली सेम टाइप करना है. cmd space front slash min space front slash c space double colon s e t space underscore underscore c o m p a t underscore l a y e r sorry ye capital hoga y e r is equal to runasinvoker space n का सिंबल दो बार स्पेस strt start फिर डबल कॉलन स्पेस देने के बाद एंड एक स्पेस और देंगे यहाँ पर परसेंटेज मार्क वन एंड ये. अब हम इसे कर लेते हैं सेव कंट्रोल एस से. हम रीनेम करेंगे इसे run -as -non-admin एंड सेव कर देंगे. अब हमें दोबारा जाना है रीनेम पे. यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है, इसे हम चेंज कर लेंगे bat फाइल में. ये हमें एक वार्निंग देगा कि अगर आप इसे चेंज करेंगे तो ये अनयूजेबल हो जाएगी, आपको यस पे क्लिक करना है. यहाँ एक बैच फाइल बन गई है. अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस बैच फाइल के थ्रू हम कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं बिना एडमिन पासवर्ड को दिए. तो इन दोनों पे ही एडमिन लॉक लगा हुआ है. ये गेम लूप की फाइल है जो पहले से इंस्टॉल्ड है. ये मेरा विनरार का सेटअप है जो मैंने डाउनलोड किया, तो एक सॉफ्टवेयर हो गया जो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ. सो दोनों ही एडमिन लॉक है. एंड अगर मैं किसी को भी क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से यहाँ पर एडमिन का यूज़र कंट्रोल एक्सेस मांगेगा. मैं एज अ एडमिन लॉग इन हूँ तो ये मेरे से पासवर्ड नहीं मांग रहा है. अगर मैं एडमिन मतलब लॉग इन नहीं होता तो ये मेरे से एडमिन पासवर्ड ज़रूर मांगता. सो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है. अब मैं यहाँ पर ले जाकर इस पर इसे ड्रैग करूँगा एंड बिना एडमिन पासवर्ड के इसने मुझे ऑप्शन दे दिया टू इंस्टॉल. यहाँ पर मैं ब्राउज़ करके इसे डेस्कटॉप चूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको ये फाइल इंस्टॉल होती हुई दिख सके. यहाँ पर स्लैश विनरार क्लिक कर लेते हैं इंस्टॉल पर. जैसे आपने यहाँ पर देखा डन. सो यहाँ पर ये फोल्डर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर विनरार पूरा मेरा इंस्टॉल हो चुका है सॉफ्टवेयर के अंदर. मेरे विनरार exe जब मैं इसे खोलता हूँ ये ओपन हो चुका है मेरा विनरार. सो मैंने आपको दिखाया कैसे आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं इससे बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना एडमिन पासवर्ड को दिए. अब मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी गेम लूप की फाइल है. जब मैं इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझसे एडमिन पासवर्ड मांगेगा. तो मुझे इसको भी ओपन करना है बिना एडमिन पासवर्ड के. तो मैं इसे भी पिक करके इस पर ड्रैग करूँगा एंड यहाँ पर मेरे से बिना कोई एडमिन पासवर्ड मांगे ओपन हो जाएगी. ये थोड़ा सा टाइम लेती है ओपन होने में. एंड जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो गेम लूप की फाइल है ये ओपन हो गई है. दिस इज़ द वे जिससे आप अपनी कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं बिना एडमिन पासवर्ड को दिए या यूज़ किए. तो ये सेम प्रोसेस आप अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एडमिन पासवर्ड नहीं है.
सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपके काम आई या आज आपने कुछ सीखा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कितनी अच्छी लगी। अगर कोई नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप टेक रिलेटेड वीडियोज़ में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप कोई भी अनबॉक्सिंग हाउ टू वीडियोज़ देखना चाहते हैं, और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर हफ्ते यहाँ पर एक नए टॉपिक या नए अनबॉक्सिंग कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहता हूँ। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।